ट्रिग्नोमेट्री का नाम वर्ड बोले उसको ब्रेक करे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब अगर मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई गॉन मेट्री, वो साइलेंट है, ये हमारा साइलेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। ट्राई मतलब थ्री होता है, गॉन मतलब साइड होता है, एंड मेट्री मतलब मेजर। क्लियर है? ट्राई नो मेट्री, ट्राई मतलब थ्री, गॉन इज साइड, एंड मेट्री मीन्स मेजर। आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप समझ रहे होंगे। इस ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जगह रोल है, खास ज्यादा करके फिजिक्स में है आपका, और मैथमेटिक्स तो है ही एक पार्ट आपका। ओके, अब इस ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने के लिए मैं एक बेसिक चीजें बता दे, जब इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बेसिक लेक्चर बताऊंगा, बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, उस बेसिक पॉइंट को आप समझिएगा। बेसिक पॉइंट क्या क्या है, जैसे ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एक और लास्ट है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। वो आइडेंटिटी जो आपने जानते, बताऊंगा आइडेंटिटीज क्या है, वो सब आया कहाँ से, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक ट्रायंगल लेता हूं, उस ट्रायंगल के बारे में ध्यान समझिएगा। सबसे फर्स्ट है आपका नेमिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। आप नेमिंग जब भी करिएगा एंटी क्लॉकवाइज करिएगा, आप समझ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप नेमिंग करिए ट्रायंगल का, वो एंटी क्लॉकवाइज करिएगा, ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बताने से पहले एक फिर से आप समझिएगा, इस एंगल के जस्ट सामने ये ए होता है, इस एंगल के सामने ये बी होता है, इस एंगल के सामने ये सी होता है। ये ए बी सी है क्या, इसके बारे में बता देता हूं। ये साइड है, क्या है, साइड है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो हमने बता दिया नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट पॉइंट यार, ये चीज बताओ, अगर मैं बात यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूं, वो चीज क्या है, ए प्लस बी, आप दो लोग को ऐड किए तो देखेंगे थर्ड वाला छोटा हो जाएगा, या बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो ए छोटा हो जाएगा, सी प्लस ए करेंगे तो बी छोटा। क्लियर है? तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट क्या है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो साइड का सम किया जाएगा, दो साइड का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। थर्ड रिजल्ट आपको ध्यान से समझिएगा, इसी का जस्ट वही है कि ए माइनस बी कम ए माइनस बी लेस देन सी। दैट इज, मैं कहना चाहूँ कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, मतलब दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होता है थर्ड वाले साइड से। कौन सा, ट्रायंगल का साइड होना चाहिए। आप ध्यान से, ट्रायंगल की साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो इस केस में अब आप आता है कि सर ए बड़ा है कि बी बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो पास टू आएगा, बी बड़ा हो गया तो निगेटिव टू। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस है या लेंथ है, तो इसलिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मॉड। क्लियर है? तो यहां से एक रिजल्ट फिर मिल रहा है आपको, सम सॉरी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। बात समझ रहे नहीं? अच्छा, आप कहेंगे सर ये इसको थोड़ा सा प्रूफ करिए, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। आपको पता है कि मॉड के दो वैल्यू आते हैं,
अगर मैं यहाँ पे टेक करता हूँ पास टू, यहाँ पे टेक करता हूँ क्या चीज नेगेटिव। अगर पास टू लेता हूँ तो ए माइनस बी लेस देन सी, अगर नेगेटिव लेता हूँ माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी लेस देन सी। अगर हम देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी बी प्लस सी, यहाँ पे ए माइनस में ये प्लस में ये, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी सी प्लस ए आ जाएगा। इसको आप देखो तो इसको ऐसे करो तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, या अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर के बना दे रहा हूँ। आप इसको इस पास टू वाले की बात करता हूँ, अगर मैं पास टू लिया हूँ तो ए माइनस बी लेस देन सी है, तो आप इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी, और बी प्लस सी बड़ा ही साइन है ए से, मतलब यही आप प्रूफ कर सकते हैं बी प्लस सी देने। अगर इस केस की बात करता हूँ लिखा है माइनस ए प्लस बी लेस देन सी, तो वही केस है बी लेस देन सी प्लस ए, तो सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। क्लियर है नहीं क्लियर है? आपको ये समझ में आ जा रहा होगा कि मैंने क्या समझा रहा हूँ आपको, ये बेसिक चीज बताया हूँ। आप थर्ड पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, आपको भी जानकारी है, ऐसी बात नहीं जानकारी नहीं है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, इसको हम पाई भी बोलेंगे। आगे चल के मैं पाई और रेडियन के, रेडियन एंड पाई रेडियन का फॉर्म होता है, ये डिग्री है, दोनों के बारे में आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट पॉइंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, अगर इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो उस केस में आप करेंगे क्या, जब अगर ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ज्यादा दिक्कत है, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंगल बी की साइड, एंगल बी की जस्ट सामने वाली साइड है वो भी बड़ी होगी एंगल सी की जस्ट सामने वाली साइड से। क्लियर है? ये आपको रिजल्ट मिल गया, ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगला पॉइंट बात करते हैं राइट ऑफ ट्रायंगल के बारे में, इसे नोट कर लीजिएगा। आपको बस इतना बता दो, जो भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ उसको आप आसानी से एक एक स्टेप को कॉपी में नोट करिएगा, उसे समझिएगा, फिर नहीं समझ आता है आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे बताइएगा। बताते आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि अपने फ्रेंड को भी बताइए कि ये क्लास मस्ट है, और कुछ भी आपको लगता है कि और भी अच्छी वीडियो आपको अपलोड करना है तो मुझे बताते रहिएगा। ओके, मेरी आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही होगी, माइक की प्रॉब्लम है, लेकिन सॉरी, अभी व्यवस्था जितना उतने भी कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। अब आपको समझाना है कि सर व्हाट इज हाइपोटेनस, राइट है, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। आप एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। 90 डिग्री की जस्ट जो सामने वाली साइड होती है ऑलवेज क्या होता है हाइपोटेनस, और जिस एंगल से पूछा जाएगा, मैंने इस एंगल से बात कर रहा हूँ, उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होता है। मैं कह रहा हूँ ये कितना है थीटा है, तो जिस एंगल से बात करते हो उस, जिस एंगल से आपको डिस्कशन करेंगे उस एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और 90 डिग्री ऑलवेज के जो सामने, 90 डिग्री जो सामने वाली साइड होती है वो ऑलवेज क्या होता है हाइपोटेनस, और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है बेस। एक चीज और मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि यदि आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप ये भी समझिए, 90 डिग्री और जिस एंगल से डिस्कशन किया जाता है या पूछा जाएगा कि इस एंगल से आप बताइए साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वो जो दोनों एंगल 90 डिग्री और जो एंगल है वो दोनों एक ही साइड पे होता है तो वो कहलाता है बेस, और ये क्या होता है इसके हाइपोटेनस, जो बच जाता क्या होगा, ये आपस में ये दोनों चेंजेस होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये इधर, तो ये कहेगा इधर,
क्लियर है। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर कहेगा ये इधर तो ये कहेगा इधर, ये आपस में चेंज होते रहते हैं, बट हाइपोटेन्यूज नॉट चेंजेज। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो चीज़। आपको ये भी बता दूं कि थोड़ा सी हल्का सा बात कर रहा हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग ये साइन, ये कॉस, ये टेन होता है, ये कोसेक हो गया, ये सेक हो गया, एंड ये क्या है, कॉट है। ओके, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, बेस, दैट इज पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल, या आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम मैं ही गाऊं, ये तो सभी जानते हैं, तो याद रखना पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछता सर कैसे, जैसे आपको कुछ लोग जानकारी नहीं है तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि यदि साइन थीटा की बात करें तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जस्ट इसका अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कितना, बेस बाई हाइपोटेनस। अगर मैं बात करूं सेक थीटा के बारे में तो सेक थीटा कितना, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं टैन थीटा के बारे में तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, जबकि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है, क्लियर है, आपको ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये राइट एंगल ट्रेंगल था, इसी राइट एंगल ट्रेंगल में एक हेडिंग है पाइथागोरस थ्योरम, उस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपस में चेंज होते रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हो गया, अब आता है आपका हाइपोटेनस के बारे में, सॉरी सॉरी सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है, इस पे बात करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत आसान है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, परपेंडिकुलर कौन है, कौन बेस है, कौन हाइपो, नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं, आपको ये भी पता हो गया है। तो ये अगर इस एंगल को करेंगे थीटा है तो ये 90 डिग्री है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ये क्या हो गया, बेस। तो आपको सबसे पता कि आपको पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो बताता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, ये तो सभी को पता है। ओके, अब कुछ चीजें मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूं, वहां से कुछ रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट का नाम क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट फर्स्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, रिजल्ट फर्स्ट, रिजल्ट फर्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा, रिजल्ट क्या क्या निकालने वाला हूं। अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, एच स्क्वायर को बोथ साइडिंग डिवाइडेड कर दिया, डिवाइडेड कर दिया, एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इजकल टू कितना, 1। ये जो पी बाई एच है, पी बाई एच दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, बी बाई एच दैट इज क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना हो गया, 1। आपको सर रिजल्ट समझ में आ रहा है, ये चीज एक रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसी रिजल्ट को मैं और तरीके से सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट रिजल्ट, अगर लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान समझिएगा, अगर मैं बी स्क्वायर से डिवाइडेड कर दिया
एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ओके तो ये क्या हो जाएगा, पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर। ओके पी बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन एच बाई बी, एच बाई बी सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप इसे क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखना चाहेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एक रिजल्ट आपका ये बनता है इक्वल टू वन। क्लियर है, क्योंकि मैंने क्या किया टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले गया, क्या हो गया माइनस हो गया, इक्वल टू कितना आ गया वन आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है। एक लास्ट रिजल्ट है, मैंने क्या किया यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे मैंने सेकंड रिजल्ट क्या निकाला बी स्क्वायर से रिजल्ट निकाला। ठीक है, और लास्ट आपका अब किससे डिवाइड करोगे पी स्क्वायर से। अगर मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ध्यान से समझिएगा थर्ड रिजल्ट के बारे में, अगर मैं बात करूँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट वन प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा एच बाई पी का होल स्क्वायर। ये जो वन है वन तो ही रहेगा प्लस बी बाई एच, बी बाई मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर दैट इज कॉट कॉट स्क्वायर थीटा और एच बाई बी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से रिजल्ट क्या आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये आपको समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा एंगल को लेकर के है आप इसे समझ लीजिएगा। समझ आ रहा है, मैंने भी आपसे बोला सेक स्क्वायर आपको रिजल्ट क्या क्या मिला, रिजल्ट फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब आप समझिए ये जो रिजल्ट आए हैं, जो ये रिजल्ट आए हैं इस रिजल्ट का जो नाम है वो रिजल्ट हमारा कहलाता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज टीज।